हमारे देश को आस्था और भक्ति का देश माना जाता है और कहा भी जाता है, जहां सुबह होते ही ईश्वर को नमन करने के बाद किसी भी काम की शुरुआत की जाती है। वहीं हमारे आस्था के देश में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हर धर्म के अलग अलग तरीके भी होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर जाकर फूल माला के साथ घी का दीपक और प्रसाद चढ़ाया जाता है, और कई लोग भगवान हनुमान जी का पाठ भी करते हैं, तो कई घरों में रामायण भी पढ़ी जाती है। वहीं नारियल का पूजा से एक अहम हिस्सा होता है, जिसे मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में बलि के रूप में चढ़ाया जाता है, क्योंकि नारियल से भगवान द्वारा ऐसे संकेत मिलते हैं जो हम आपको बताएंगे। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि जब लोग मंदिर में नारियल फोड़ते हैं तो वो अंदर से बहुत बार खराब निकल जाता है, जिसे देख कुछ लोग दुखी हो जाते हैं और उन्हें दिमाग में यही आता है कि शायद कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इससे तो भगवान कुछ अच्छा संदेश देते हैं और अच्छा संकेत जरूर मिलता है। धार्मिक विद्वानों के अनुसार नारियल खराब या सड़ा निकलना अशुभ नहीं माना जाता है, बल्कि भगवान उससे लोगों को अच्छा संकेत देना चाहते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा जल्द ही होने वाला है, और साथ ही उसका मतलब होता है कि आपका नारियल का प्रसाद भगवान ने स्वीकार कर लिया है। हम आपको बता दें कि उसका एक और मतलब होता है कि आपने जो भी मनोकामना मांगी है वो अवश्य ही पूर्ण होगी। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।